हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हस्बी जायका। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है जमजम पुलाव। ये मैं एक रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। जमजम पुलाव एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड टेस्टी डिश होती है, बहुत ही कलरफुल। सो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है 1/4 किलो राइस, दैट इज 750 ग्राम्स ऑफ बासमती राइस मैंने लिया है। आप बासमती राइस लेंगे तो ही इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। आप इसे वॉश करके भिगा लेंगे फॉर अराउंड हाफ एन आवर, या एक घंटे के लिए भी भिगा दे। 1/2 kg मैंने लिया है मटन। मटन को आप अच्छे से वॉश कर लेंगे। 4 medium size के प्याज मैंने लिए, इसे अच्छे से आप स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। 400 grams ऑफ चिकन, इसे भी आप क्लीन करके वॉश कर लें। 3 medium size पोटैटोस, इसे भी आप इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे, सी लाइक दिस। 12 green chilies, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं या फिर आप कम भी ऐड करें। एंड मटन खीमा मैंने लिया है 250 grams। 2 boiled अंडे, इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी है बट अगर आप इसकी प्रिपरेशन थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दें तो ये इजीली और जल्दी बन जाएगा। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बट मैं 1-1 करके आपको बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले हम मटन को बॉईल कर लेते हैं। मटन बॉईल करने के लिए कुकर में हमने मटन ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, हस्बे जायका। और 2 ग्लास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी में अराउंड 250 ml जितना मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। सो 2 ग्लास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इसका लिड कवर करके इसे बॉईल करने रख देंगे। तो मटन हमने बॉईल करने रख दिया, हम इसे फास्ट फ्लेम पर कुक करेंगे। एक सीटी आने पर हम इसे 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम राइस को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे अराउंड 1/2 या 1.25 घंटे के लिए भिगाकर रख देंगे। तो कबाब बनाने के लिए खीमे को हम अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेंगे और इसमें हम फिर ये मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, और हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चने का आटा। दैट्स इट। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स की साइज के कबाब बना लेंगे। ये देखिए, इतनी स्मॉल साइज की मैंने कबाब बना ली है, वेरी स्मॉल। ये देखिए, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये जो मीडियम साइज की 4 प्याज हमने कट की थी, इससे हम हाफ बिरिश्ता बनाएंगे और हाफ हम पुलाव में ऐड करेंगे। तो हाफ का चलिए बिरिश्ता बना लेते हैं। बिरिश्ता बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम तेल ऐड कर देंगे। तेल एकदम गर्म होने पर ही हम हमारी प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए, तेल गर्म होने पर प्याज हमने ऐड कर दी है। प्याज को हम एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन होने पर ही हम प्याज को निकाल लेंगे। पोटैटोस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो, या जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए, पोटैटोस में हमने 3 different colors ऐड कर दिया है। आप चाहे तो आपके पास जो अवेलेबल हो वो कलर ऐड करें, कलर से थोड़ा लुक अच्छा आता है आपके जमजम पुलाव में। रिश्ता हमारा रेडी हो गया। अब हम सेम ऑयल में 1 by 1 पोटैटोस फ्राई कर देंगे। तो पहले हम एडिंग ऑरेंज पोटैटोस, इसे फ्राई कर ले अच्छे से। सेम ऑयल में हम कबाब्स भी फ्राई कर देंगे। 1 by 1 कबाब्स को ऐड करें और गैस फास्ट फ्लेम पर रखें। कबाब्स ऐड करने तक फास्ट फ्लेम पर रखें और फिर गैस को स्लो कर दें। पहले जब आप ऐड कर रहे हैं कबाब को तेल में, तब आपको फ्लेम फास्ट रखनी है वरना आपके कबाब्स टूट जाएंगे। तो पहले फ्लेम फास्ट रखें। एक साइड फ्राई होने पर जब आप टर्न करेंगे इसे, तब आप फ्लेम को स्लो कर दें। ये देखिए, हमारा बिरिश्ता, कबाब एंड पोटैटोस सब फ्राई होकर रेडी है। कबाब्स मेरी थोड़ी टूट गई है बिकॉज मुझसे एक गलती हो गई। मैंने कबाब ऐड करते समय गैस स्लो फ्लेम पे कर दिया था, तो आप इस बात का ध्यान रखें और ये गलती ना करें तो आपकी कबाब अच्छी बनेंगी। देखिए, मेरी कबाब थोड़ी ऐसी बन गई है, एकदम राउंड शेप नहीं है। और आप इसे एकदम प्रॉपर राउंड शेप दें और फिर इसे ऐड करें।
अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हम हमारा पुलाव रेडी करेंगे। गरम मसालों में मैंने लिया है तेज पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिरी, दालचीनी, शाहजीरा एंड जीरा। जिसमें कबाब फ्राई की थी हम सेम ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ऑयल गरम होने पर हम ये सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे। गरम मसाले को थोड़ा भूने, एक मिनट तक अराउंड हमने गरम मसाले को फ्राई किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चॉप्ड ऑनियंस। ऑनियंस को हल्का फ्राई करना है आपको। अब हम स्लाइस की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक हसबे जायका। अब हम ऐड करेंगे 1/4 किलो दही। दही को थोड़ा फेंट ले फिर ऐड करें, अच्छे से इसे मिक्स करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना चॉप करके। चिकन हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया है। हम इसे पूरी तरीके से कुक नहीं करेंगे, 80% कुक करेंगे, क्योंकि हम इसे दम पे रखने वाले हैं हाफ एन आवर के लिए, तभी भी ये कुक होगा। तो अब हम इसमें हमारा राइस ऐड कर देंगे, बासमती राइस जो हमने भिगा के रखा था। ये देखिए राइस हमने ऐड कर दी है। राइस को हम चिकन के मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे अराउंड 5 मिनट्स के लिए, और फिर हम इसमें मटन स्टॉक, मटन एंड और पानी ऐड करेंगे। राइस को हमने 5 मिनट तक भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बॉयल मटन एंड मटन स्टॉक ऑल टुगेदर। मटन हमने पहले इसीलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मटन हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसे मिक्स करें, थोड़ा और पानी ऐड करें। मैंने इसमें और 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, और अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस मोमेंट पे नमक भी ऐड कर सकते हैं। फास्ट फ्लेम पे इसे आप ढककर कुक करें, पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम पोटैटोज़, कबाब एंड बिरिश्ता भी ऐड कर देंगे। देखिए हमारा पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इसे दम के लिए रखेंगे। दम पे रखने के लिए हम इसे एक तवे के ऊपर रखेंगे। हम इसमें हमारी फ्राई कबाब्स सब ऐड कर देंगे, पोटैटोज, बॉयल्ड एग्स। ये देखिए हमने इसमें कबाब, बॉयल्ड एग्स, फ्राई पोटैटोज और बिरिश्ता सब कुछ ऐड कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और हाफ एन आवर के लिए दम पे रख देंगे। हाफ एन आवर के लिए स्लो फ्लेम पर रखने से दम पर रखना है। ये देखिए तो आधा घंटा हो चुका है, हमने इसे भाप अच्छे से दे दी है, तो ये पूरी तरीके से अब रेडी है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, गैस बंद कर देंगे। सो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जमजम पुलाव बनके रेडी है, पूरी तरीके से तैयार है खाने के लिए। इसे गर्मा गर्म सर्व करें कचुम्बर के साथ, या रायता भी आप बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ट्रस्ट में पसंद बहुत आएगा आपको। बहुत ही इजी रेसिपी है, मैंने कोई इसमें अलग इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया है, सिंपल बेसिक सी रेसिपी है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। बस थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ी मेहनत आपको लगेगी इसमें, बट मेहनत का फल सच में बहुत मीठा होगा। सो ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है मुझे वीडियो बनाने में। एंड न्यू सब्सक्राइबर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।